हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रही है ये डिलीशियस आलू और सोयाबीन की करी, जिसे खाकर आप भूल जाएंगे नॉनवेज खाना, क्योंकि लगभग टेस्ट इसका मटन जैसा ही है। आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करो। ये डिलीशियस सी ये करी आपको वाकई में नॉनवेज भुलवा देगी, तो इसे आप वेज स्टाइल में चलो बनाते हैं। ये हमारे पास दो टमाटर हमने काट लिए हैं, दो प्याज हमने काट लिए हैं और 6 से 7 ग्रीन चिल्ली को हमने फाइनली चॉप करके रख दिया है। अब मसाले में हम लेंगे ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और नमक आपके हिसाब से। ये हमने सोया चंक लिया है, ये आलू के छोटे छोटे इस तरह से 2 आलू के टुकड़े कर दिए हमने। अब सोया चंक को हम पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। फिर एक बर्तन में हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट डाल के इसको उबालाने देंगे। उबालाने से क्या होता है, इसके अंदर नमक का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाता है। ये हो चुका है, मैं अभी इसे स्क्वीज़ करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। और एक बर्तन में हमें ऑयल गर्म करना है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, जिससे आलू और सोया चंक को सिर्फ सॉटे करना है हमें तेल में अच्छी तरह से, ताकि सॉटे करने से ये होता है सोया चंक का साइज़ जो है आप नॉर्मल देखते होंगे ग्रेवी में, उसका साइज़ फुल जाता है, पर सॉटे करने से जो साइज़ है उसका वही रहेगा और फ्लेवर उसी में ही रहेगा। एक्चुअल में सोयाबीन का इसी तरीके से बनाना चाहिए, पहले इसको बॉईल करके नमक डाल के फिर इसे सॉटे करना है। अब एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे और 1/2 चम्मच जीरा हम डालेंगे। जीरे के लाल होते ही हम हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची को हमें एज इट इज़ फ्राई करना है पहले। जैसे वो फ्राई हो जाए थोड़ी क्रिस्पी लगती है फिर ग्रेवी में। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होए तक का इसे सॉटे करेंगे। हमने तेल बहुत कम ही लिया है सब्जी में, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो ये हो गया है सॉटे, हमारा आलू और सोयाबीन सॉटे हो चुका है कम ऑयल में। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे, अब ठीक से चला लेंगे इसे। अब जो हमने टमाटर चॉप करके रखा था रफली वो भी डाल देंगे। अब 1/2 ग्लास हमें इसमें वाटर ऐड करना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो ये हमने 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। अब हमें इसे 10 मिनट मीडियम आंच पे कुक करना है, जब तक हमारा टमाटो टेंडर ना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गया है, ये गल गया है। देखो कितनी रिच ग्रेवी लग रही है, ये मसाला भी 10 मिनट के अंदर ही भुने गया है ऑटोमेटिक टमाटर के साथ। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी, तेल हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, दिख रहा है आपको, ये अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसमें जो सॉटे है आलू और सोया चंक वो भी डाल देंगे इसमें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सोया के अंदर मसालों का फ्लेवर चला जाए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, लगभग इसका टेस्ट मटन जैसा ही होता है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। अगर आपका कुछ नॉनवेज खाने का मन हो, अवेलेबल ना हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई करो। ये एक बाउल में हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा तरह एक पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर लम्स ना रहे। अब इसे हमें ग्रेवी में डालना है। इससे क्या होता है, ये ऑप्शनल है, इससे क्या होता है कि हमारी ग्रेवी का जो रिचनेस है वो थिक अच्छी से आता है ग्रेवी। और पानी थोड़ा डाल देंगे इसमें। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कुक करेंगे, जब तक हमारा आलू पूरी तरह से पक ना जाए। ये देखिए पक के हमारी सब्जी तैयार है, किस तरह से ये रिच लग रही है। तरी भी छूट चुकी है साइड से, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। देखिए हमारी सोया का साइज़ जैसा है वैसा ही है और बहुत सारे इसमें फ्लेवर आ चुके हैं।
ये देखिए हमारी आलू सोया चंक इज़ रेडी टू हैव। नॉन वेज की टक्कर में ये भारी है, ज़रूर आप मेरे तरीके से इसे ट्राई करो, और अगर आपको पसंद आए तभी मेरे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो एंड कमेंट भी करो। कुछ पूछना हो तो सी द डिस्क्रिप्शंस, प्रेस बेल बटन फॉर न्यू रेसिपी। बाय बाय।